विभाग की अनदेखी का शिकार हो रही कॉलोनी की श्रमिक कॉलोनियां, नागरिक सुविधाओं को तरसते लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेडो। एसटीसीएल सुहागपुर एरिया के खदानों में हजारों की संख्या में श्रमिक और कर्मचारी काम करते हैं और यहाँ की विभिन्न कॉलोनियों में रहते हैं, लेकिन इन कॉलोनियों का ये हाल है कि ना तो नागरिकों को नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था है और ना ही साफ सफाई। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग हर रोज कई प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं। तो आइए इस खबर की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। अमन, इन कॉलोनियों के लोगों को नागरिक सुविधाएं न मिलने से किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है? कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुहागपुर एरिया के इन खदानों में हजारों की संख्या में श्रमिक और कर्मचारी काम करते हैं और ये जिन कॉलोनियों में रहते हैं वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह भी अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही। कॉलोनियों की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, नालियां टूट चुकी हैं, कचरे और गंदगी से नालियां जाम हो चुकी हैं और उनका पानी बरसात में सड़कों और कॉलोनियों में भरता है। इसके अलावा साफ सफाई भी नहीं की जा रही है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। बिजली व्यवस्था तो वैसे ही हर जगह ही खराब है, बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा साफ सफाई ना होने से जगह जगह झाड़ियां और घास उग आई है, पनप आई है, जहां पर जंगली और जहरीले जीव जंतु वहां पर रहने लगे हैं और लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मकानों की छतों से पानी का रिसाव होता है। इसके अलावा सेप्टिक टैंक के ढक्कन चोरी हो चुके हैं या फिर टूट चुके हैं, जिनके कारण बदबू फैलती है पूरे इलाके में। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना ये मजदूर और कर्मचारी कर रहे हैं। क्षेत्र की सभी कॉलोनियों का यही हाल है? जी देखिए, बिल्कुल लगभग सभी कॉलोनी का ये हाल है। बहुत सारी कॉलोनियां हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि बंगवार कॉलोनी है, रुंगटा कॉलोनी है, राजेंद्रा कॉलोनी है, अर्जुला कॉलोनी है, रीजनल कॉलोनी है, और भी बहुत सारी कॉलोनियां हैं और लगभग सभी का एक जैसा हाल है। सभी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब। हमने ऐसा सुना था कि कल्याण बोर्ड के सदस्यों ने कोई परीक्षण किया है, तो उसकी रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या आया है? जी बिल्कुल, देखिए जब श्रमिकों और कर्मचारियों के द्वारा लगातार हो रही असुविधाओं और परेशानियों के खिलाफ शिकायत भेजी गई तो सुहागपुर कल्याण बोर्ड और कंपनी कल्याण बोर्ड के सदस्यों ने यहाँ पर एक जांच सदस्य कमेटी को भेजा था और ये पाया था कि वाकई यहाँ पर जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो उनकी काफी अनदेखी हो रही है और उनमें उपलब्धता में काफी लापरवाही बरती जा रही है। सड़कों की मरम्मत की जानी है, इसके अलावा साफ सफाई का इशू है और मकानों और इमारतों की मरम्मत का जो है बहुत सारा इशू है। तो ये पूरी जांच रिपोर्ट इन्होंने अपने अधिकारियों को भेजी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें जानकारी देने के लिए। खदानों में काम करने वाले श्रमिक मेहनत करके खदानों की कोयला और लोहा निकालते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, लेकिन इन श्रमिकों और कर्मचारियों की कॉलोनियों के रख रखाव की और कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विषय में कई बार इन श्रमिकों द्वारा शिकायतें भी भेजी गई हैं, लेकिन कोई कार्यवाही अब तक नहीं हो सकी है। आशा है जल्द से जल्द सिविल विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।